खुशी आइए आज की कुछ ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पिड़वा और भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2007 नौ की इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में गुड़ी पड़वा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता लता जगताप ने अपने क्षेत्र क्रमांक 4 में सभी सहेलियों के द्वारा नवरात्रि पर्व और गुड़ी पड़वा पर सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत की और सखी सहेली और ने बताया इस प्रकार के आयोजन को लगातार करती रहती है। लता जगताप के सानिध्य में सखी सहेलियों ने लगभग 50 से ज्यादा महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया और गुड़ धनिया वितरित किया, टीका लगाया, शुभकामनाएं दी और मराठी भाषी परिवार ने अपने घर गुड़ी टांगी और पूरन पोली आमटी श्रीखंड विशेष रूप से प्रसाद वितरित किया। भगवान को आज गुड़ी पड़वा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष का यह नववर्ष प्रतिपदा दिन होता है। इसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और धनिया गुड़ खिलाया जाता है लोगों को एवं मराठी भाषियों के घर घर गुड़ी टांगी जाती है और मिठाई के तौर पर श्रीखंड बनाया जाता है और वितरित किया जाता है अपने आसपास परिचितों को और रिश्तेदारों को। आज श्रीखंड का विशेष महत्व होता है। हेलो, आप दोनों आ जाओ जल्दी से, यहाँ आ जाओ आप, तो बहुत अच्छी है, इसके पास खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। बताइए, आज गुड़ी पड़वा का दिन है और यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाओं ने यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दिया है और आज विशेष तौर से पर्व मनाया जा रहा है, तो आपका आपने अपनी सखी सहेलियों में किस प्रकार से यह भावना जागी कि हर साल इस प्रकार करते हैं आप? हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा बाहर मैसेज नहीं जाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार आप लोगों को भी इन्वाइट कर लें ताकि हमारी सखी सहेली हर साल चढ़ाती है और हर साल मनाते हैं, फागुत्सव भी मनाते हैं, सब कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मीडिया से हम लोग दूर रहते हैं। इस बार हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए किया कि हमारा संदेश सब दूर जाए, हमारी कॉलोनी का। और क्या सोशल एक्टिविटी करती इतनी सारी महिलाओं के साथ आप? हमारे यहाँ फागुत्सव भी मनाते हैं, नया साल भी मनाते हैं, हर त्यौहार जैसे संक्रांति का भी मनाते हैं, हर मतलब जो भी ओकेशन जो भी त्यौहार आता हम सब सखी सहेली मिलके मनाते हैं। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा नाम लता जगताप, विधानसभा 4 के पूर्व मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। बताइए, यहाँ पर सफी काफ़ी सफी सखी सहेलियों में आपका जो परिवेश है काफ़ी बहुत ही अलग है, और बताइए आज विशेष तौर से मराठी भाषा में जो पर्व मनाया जाता है उसको लेकर कुछ बताएं। मराठी जो आज है गुड़ी पड़वा वगैरह जो है, और आज जो उनको भोग लगता है परन पोली श्रीखंड और आमटी वगैरह का बनता है, और नया साल की सबको शुभकामनाएं और हैप्पी गुड़ी पड़वा। आपका शुभ नाम बताएं? दुर्गा लिखा। बताइए, मराठी भाषा में आज विशेष रूप से जो गुड़ी टांगी जाती है उसका क्या महत्व होता है? उसका ये हिंदू नौ
पड़वा यानी महाराष्ट्र लोगों का स्पेशल डे। मैं खुद महाराष्ट्र हूँ, सीमा देशमुख। मैं खुद अभी गुड़ी लगा कर आई हूँ। आपका शुभ नाम बताएं? सीमा देशमुख। थैंक यू। बताइए आप अपने यहाँ पर जब कितने सालों से आप ये पर्व मना रहे हैं और विशेष तौर से सुबह कितने अर्घ देते हैं? बहुत सालों से मना रहे हैं हम तो ये अर्घ। यहाँ पर काफी अच्छा भव्य अभी अर्घ दिया गया है और यहाँ पर देखा जाता है कि महिलाओं कम से कम होती पर यहाँ पर काफी सारी तादाद में महिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सखी सहेली के द्वारा हमेशा अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। लता दीदी कार्यक्रम करवाती रहती है और हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। हर फेस्टिवल पे यहाँ अच्छे से अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा नाम सुनीता जैन है। अच्छा, जय जिनेन। जय जिनेन। बताइए यहाँ पर काफी अच्छी जो काफी सारी महिला है और काफी अच्छे परिवेश में आज बहुत ही अल सुबह आई है। आज गुड़ी पड़वा के पर्व पर लता दीदी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया, सूर्य नारायण को अर्घ दिलवाया और हम लता दीदी के साथ रहते हैं। सखी सहेली में हर कार्यक्रम अच्छे होते रहते हैं और हम हमेशा यहाँ उपस्थित हुआ करते हैं। आपका नाम बताएं? गंगा सोनी। धन्यवाद। सब देखो इधर। आए कोई निकाला नहीं आया तो मत निकाल। नहीं कौन बोला? मैं बोली। तो आपका नंबर पे नहीं डालूंगी फिर। आ रहा फिर नहीं डालूंगी। आंटी मेरे को दे। अच्छा पीछे गांव को आगे आ गए ले ले पता ले लिए। आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको भी इसको नहीं आपको तो ढकेंगे हमने। आगे बढ़ते जाओ थोड़े। अरे आगे बढ़ते जाओ। लो प्रसाद ले लो आगे। आपको भी दीदी। ये लेना। तो मैंने आपको लगाया था।